वेलकम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम इस एथनिक ड्रेस को बनाएंगे जो कि एक लहंगा है, जिसका जो टॉप है वो थोड़ा डिफरेंट है, दैट मीन्स वो कुर्ती के शेप में है। इसके लिए मैंने यहाँ दो फैब्रिक लिया हुआ है, आप देख रहे हैं, और एक चेन ली हुई है। ये चेन नीचे से ओपन हो जाती है पूरी तरीके से। इसका पूरा लेंथ हमें यूज़ नहीं करना है, हाफ लेंथ हमें यूज़ करेंगे इसे। इस चेन को हम टॉप में यूज़ करेंगे, इसलिए आपके पास अगर छोटा चेन हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही है, सो मैं इसे कट करके यूज़ करूँगी। ये नेट फैब्रिक मैंने यहाँ हाफ मीटर लिया हुआ है जो हम टॉप के हिस्से में यूज़ करेंगे। इस नेट फैब्रिक में पूरी एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हैं कि ब्लैक धागे से वर्क है इसमें, और इसका नेट बिल्कुल सी थ्रू है। आप चाहें तो इसके प्लेस में दूसरी फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ एक और नेट फैब्रिक लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं, ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। मैंने यहाँ 2 मीटर यूज़ किया है, अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही सी थ्रू है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। इसके साथ ही हम अस्तर के लिए केबीसी कपड़ा यूज़ करेंगे, और डेकोरेशन के लिए कुछ लेसेस यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इस ड्रेस में मैंने 2 वीडियोस बनाया हुआ है। इस वीडियो में आपको मैं टॉप वेयर बताऊंगी जो कि कवर अप पैटर्न होगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको लहंगा पैटर्न बताऊंगी जो कि बॉटम वेयर होगा इसका। हम सबसे पहले अब टॉप की कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पेपर लिया हुआ है जिसकी लंबाई 15 इंचेस है, और ये पेपर मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है। इसकी मिड पॉइंट से मैं यहाँ पास मेजरमेंट लूँगी। हम यहाँ शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे, सो शोल्डर की मेजरमेंट मैं यहाँ पर 11 ले रही हूँ, 11 का हाफ 5.5 मार्क करूँगी। देन यहीं से 3 इंचेस अंदर की ओर मार्क करेंगे फॉर द शोल्डर मेजरमेंट। ना शोल्डर को डाउन करने के लिए मैं 1 इंच यहाँ से नीचे मार्क करूँगी, देन इसे मिला लूँगी। अब इसी मार्क से आर्म होल के लिए 6 इंचेस डाउन की ओर मार्क करेंगे। इसी मार्क से स्ट्रेट करते हुए बीच से मिला लेंगे। अब चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे, इसके लिए मैं यहाँ 17 ले रही हूँ मिड पॉइंट से, सो जस्ट इसे यहाँ 17 मार्क कर लेंगे, एंड कर्व करते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब जस्ट वेस्ट की मेजरमेंट ले लेंगे, यहाँ मैंने 30 लिया है, मतलब डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो देट मीन 7.5 के अकॉर्डिंग यहाँ ले सकते हैं, और उसे जस्ट कर्व करते हुए मार्क कर लेंगे। अब जस्ट हम यहाँ पर नेकलाइन की मेजरमेंट ले लेंगे जो कि मैंने यहाँ 3 इंचेस रखी हुई है, सो जस्ट 3 इंचेस डीप मार्क करके इसे कर्व करते हुए मिला लेंगे। देन पेपर को उसी शेप में कट कर लेंगे। अब ये कटिंग रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं बीच से इसे अलग कर ले रही हूँ, इस जगह पे हम चेन लगाएंगे, अब इसी के अकॉर्डिंग हम टॉप की कटिंग करेंगे। सो हियर यू कैन सी कि मैंने टॉप की फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। यहाँ पर बस इतना चेंजेस है कि ये फ्रंट की जो नेकलाइन है वो थोड़ी डीप है, और पीछे की जो है वो थोड़ी डीप कम है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर ऐड करेंगे। अब हम फ्रंट वाला हिस्सा लेते हैं और हम इसे बीच से अलग कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ चेन ऐड करनी है। अब बिल्कुल इसी शेप में इसकी अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे जो कि मैंने यहाँ केबीसी कपड़ा लिया हुआ है। ये यहाँ पर नेट और अस्तर दोनों की कटिंग हो चुकी है, बीच से ये इस तरीके से सेपरेट है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सीथ्रू बनाना चाहूँगी, इसीलिए मैं 4 इंचेस डाउन इसकी अस्तर की कटिंग करूँगी। तो अस्तर की नेकलाइन थोड़ी कम करने के लिए मैंने यह अस्तर लिया हुआ है सेपरेट से, और मैंने इसे पहले से मार्क कर लिया है। इसे मैं बताती हूँ आपको कि ये शोल्डर की जो मेजरमेंट है वो 3 इंचेस है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर 1 इंचेस कम करके यहाँ मार्क की हुई हूँ। और बिल्कुल वैसे ही चेन वाले हिस्से में भी 4 इंचेस डीप यहाँ मार्क करेंगे और उसे मिला लेंगे। बाहर वाली लाइन ही मेन है, ये अंदर वाली थोड़ी रॉन्ग हो गई है। बाहर वाली नेक लाइन के अकॉर्डिंग ही कटिंग कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कंप्लीट होने पे। अब हम इसके नेकलाइन को पहले सिल लेंगे, इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इस नेक फैब्रिक को इसे इस तरीके से लगाएंगे और इसे अटैच कर लेंगे।
Now you can see कि ये see-through portion neck पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर चेन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ एक चेन ली हुई है जो कि अलग हो जाती है नीचे से पूरी तरीके से, बट इसकी लेंथ ज़्यादा है इसीलिए मैं इसे ऊपर करके ऊपर के हिस्से से कट करके अलग कर लूँगी। आपको अगर सेम साइज की चेन मिलती है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब हम इस टॉप में कॉलर ऐड करेंगे। इसके लिए हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलर हमें 17 इंचेस की चाहिए। तो मैंने यहाँ पर केबीसी कपड़ा एक लिया हुआ है, इसकी मेजरमेंट 17 इंचेस ही है और बिल्कुल ही ऐसा हम नेट फैब्रिक भी लेंगे। दोनों फैब्रिक को हम ऊपर की साइड से भी अटैच करेंगे, नीचे के साइड से भी अटैच करेंगे और साइड से थोड़ा कर्व लेते हुए करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया हुआ है आपको कॉलर बनाना, बिल्कुल वैसा ही। सो द कॉलर इज रेडी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे स्टिच कर लिया है, ये पूरी तरीके से रेडी है। अब हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे। कॉलर की मेजरमेंट 17 इंचेस है। अब हम जस्ट इसे टॉप में अटैच कर देंगे कॉलर के प्लेस पे, और इसके लिए आप पिन की हेल्प ले सकते हैं। अब इसके अंदर वाले फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ के इसमें अटैच करेंगे। अब इस तरीके से ये पूरी तरीके से अटैच हो गया है कॉलर। अब इसकी साइड और इस कॉलर को भी मशीन से स्ट्रॉन्ग स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ है जिसमें पल्स लगे हुए हैं। इसे मैंने टू फोल्ड किया हुआ है और हम इसमें कटिंग करेंगे साइड से। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसे हमने 37 इंचेस पे फोल्ड किया हुआ है और इस कपड़े की जो लेंथ है वो है 49। सो ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि हमें इसे हाई लो के पैटर्न में रखना है, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा फोल्ड कर ले रहे हैं जिससे कि ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा और नीचे ये कटिंग आसान हो जाएगी। अब जैसा कि हमने पहले की वीडियो में भी किया हुआ है वैसे ही हम टेप की हेल्प से इसमें मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब वेस्ट की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे जैसे कि हम पहले करते आए हैं। ये यहाँ पर टॉप रेडी हो चुका है। मैंने इसकी साइड स्टिच कर ली है, आर्म होल भी स्टिच कर ली हुई है। मैंने यहाँ पे एक चीज की है, ये इसकी जो लेंथ है टॉप की नीचे से वहां पर मैंने इसे कम किया है क्योंकि मैं इल्यूजन कपड़े को यहाँ पर अटैच करना चाहती हूँ विथ चेन के साथ, इसीलिए मैंने इसकी लेंथ नीचे से कम की हुई है और यहाँ से मैं नेट को अटैच करूंगी जो मैंने अभी अभी कट की हुई है। अब जस्ट वेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने बॉटम इसमें अटैच कर लिया है। अब हम चेन से इस नेट वाले हिस्से को अटैच कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि सामने से ये ओपन हो रहा है और यहीं से इसे पहन सकते हैं। ये जो नेट फैब्रिक है आप देख सकते हैं कि सामने से ये दिखाई दे रहा है, सो इसे मैं अंदर की ओर से मोड़ के ब्लाउज की तरह ही स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो इसे मशीन से भी कर सकते हैं बट ऐसे में सिलाई बाहर से दिखाई देगी, इसीलिए मैं इसी तरीके से अंदर से और से हाथ से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी कवर अप पैटर्न की जो टॉप है जो आप लहंगे में यूज करेंगे वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका इल्यूजन पार्ट इसमें पूरी तरीके से अटैच हो चुका है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पहन सकते हैं लेकिन मैं इसमें थोड़ी डेकोरेशन करूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पर एक लेस यूज कर रही हूँ। ये देखिए ये वाली लेस को इसमें मैं इसके कॉलर वाले हिस्से को छोड़ के बाकी जो चेन वाले हिस्से हैं उसमें लगाऊंगी। आप देख सकते हैं इसमें कुछ स्टोन्स लगे हुए हैं, इसे मैं इस तरीके से इसमें ऐड करूंगी और इसे स्टिचिंग करूंगी। और ये ड्रेस रेडी हो जाएगी। और आप चाहें तो इसमें और भी डेकोरेशन कर सकते हैं, आप नीचे भी लेस लगा सकते हैं, कॉलर में भी लगा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा कर सकते हैं इसमें।
और ये ड्रेस रेडी हो जाएगी। इसका जो बॉटम हिस्सा है दैट मीन्स जो लहंगा पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैं आप यहाँ पर लिंक डाल दे रही हूँ उसकी आई बटन पे, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं और उसे ज़रूर देखें। जो कि इसका नीचे का हिस्सा है लहंगा है जो कि इल्यूजन और प्रिंटेड फैब्रिक का बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने ना भूलें एंड प्लीज 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 गिव द थम्स अप एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इसे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।